यूपी में उपचुनाव के बीच अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, कहा समाजवादी पार्टी के वोटरों को रोका जा रहा है। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। अखिलेश यादव बोले, हार के डर से अधिकारियों पर दबाव, लोगों को वोटिंग से रोक रही है पुलिस। हमारी सरकार आई तो बेईमान अधिकारी नहीं बचेंगे। अखिलेश यादव बोले, चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में आ रहे हैं, बीजेपी का सिंहासन हिल रहा है, इसलिए बेईमानी पर उतरी। यूपी में वोटरों की आईडी चेक करने पर 5 पुलिस वाले सस्पेंड, अखिलेश यादव की शिकायत पर एक्शन, सिसमऊ में धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में वोटिंग के दौरान पथराव, ककरोली में दो पक्षों की झड़प में चले पत्थर। पथराव के बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने उपचुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया, कहा खुलेआम वोटर्स को रोका गया। यूपी में कुंदरकी सीट पर उपचुनाव में बुरके में महिला वोटरों ने डाला वोट, कहा बूथ पर पोलिंग ऑफिसर ने बुरका हटाकर की चेकिंग, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। यूपी के मिर्जापुर के मंचवा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान, कतार में वोट डालते दिखे मतदाता। पीड़ित परिवार की शिकायत पर एक्शन में आई करहल पुलिस, सपा समर्थक प्रशांत यादव समेत दो लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने थाने में मतदान किया। कोपरी पचखड़ी विधानसभा सीट से शिवसेना प्रत्याशी हैं एकनाथ शिंदे। वोट डालने के बाद बोले सीएम एकनाथ शिंदे, 2.5 साल में महायुति ने जनता के लिए काम किया, एमवीए ने जो विकास रोका उससे हमने शुरू किया। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में मतदान किया, नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से प्रत्याशी हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा दावा, कहा लोग विकास को लेकर वोट कर रहे हैं, महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत मिलेगी, बनेगी डबल इंजन की सरकार। शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने किया मतदान, लोगों से भी मतदान करने की अपील की। वर्ली विधानसभा सीट से शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार आदित्य ठाकरे ने डाला अपना वोट। बारामती में डिप्टी सीएम और एनसीपी उम्मीदवार अजीत पवार ने वोट डाला, कहा उम्मीद है इस बार बारामती के लोग मुझे विजय बनाएंगे। एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने बारामती में किया मतदान, सुबह सुबह ही मतदान केंद्र पहुंचकर वोटिंग की। पुणे में योगेंद्र पवार ने मतदान किया, बारामती से एनसीपी शरद गुट के उम्मीदवार है योगेंद्र पवार। वोट डालने के बाद बोले योगेंद्र पवार, पीढ़ी बदलनी चाहिए और नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए, एक युवा नेतृत्व भी तैयार होना चाहिए। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने बारामती में मतदान किया, लोगों से वोटिंग की अपील की। शिवसेना प्रत्याशी मिलिंद देवड़ा ने दावा डाला अपना वोट, मुंबई में वर्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं मिलिंद। नवी मुंबई के बूथ पर शरद पवार गुट के नेता संदीप नाइक ने वोट डाला, बेलापुर विधानसभा से एमवी उम्मीदवार हैं। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने बांद्रा के बूथ पर अपना मतदान किया, बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। सांसद संजय राउत और शिवसेना नेता सुनील राउत ने भी मतदान किया, मुंबा देवी सीट से उद्धव गुट के उम्मीदवार हैं। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने मतदान किया, मुंबई के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। शाइना एनसी ने मतदान किया, मुंबई की मुंबा देवी सीट से शिवसेना प्रत्याशी हैं। शाइना एनसी के मुंबा देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर कहा मुंबा देवी में इस बार परिवर्तन लाना है। थाने में सीएम एकनाथ शिंदे के भाई प्रकाश संभाजी शिंदे का बड़ा बयान, कहा राज्य के लोग एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। महाराष्ट्र की ब्रह्मपुरी सीट से कांग्रेस नेता विजय वट्टीवार ने मतदान किया, ब्रह्मपुत्री सीट से एमवी के कैंडिडेट हैं। महाराष्ट्र में लातूर से कांग्रेस प्रत्याशी अमित विलासराव देशमुख ने अपना वोट डाला, पत्नी अदिति देशमुख ने भी मतदान किया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने परिवार के साथ मतदान किया, येओला सीट से एनसीपी अजीत गुट के प्रत्याशी हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर ने मतदान किया, सावंतवाड़ी विधानसभा सीट से शिवसेना प्रत्याशी हैं। मुंबई के एक मतदान केंद्र पर जीशान सिद्दीकी ने वोट डाला, बांद्रा ईस्ट से एनसीपी उम्मीदवार हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में किया मतदान, बोले मुझे खुशी है लोगों ने भारी संख्या में मतदान किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल सी वी राधाकृष्णन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मुंबई के एक मतदान केंद्र पर वोटिंग की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में एक बूथ पर वोट डाला, चुनाव अधिकारियों को व्यवस्थित ढंग से मतदान के लिए बधाई दी। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने भी मतदान किया, मुंबई के कोलाबा से के एक बूथ पर मतदान किया गया। नागपुर के मतदान केंद्र पर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मतदान शुरू होते ही अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद बोले मोहन भागवत, लोकतंत्र में मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को ये कर्तव्य निभाना चाहिए। पीएमसी कमिश्नर और जिला चुनाव अधिकारी भूषण गगरानी ने डाला वोट, मुंबई के एक बूथ पर मतदान किया। एक्टर अक्षय कुमार ने मुंबई में किया मतदान, बोले मतदान केंद्र पर बहुत अच्छे इंतजाम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी व्यवस्था। अभिनेता राजकुमार राव ने मुंबई में अपना वोट डाला, बोले मतदान बहुत जरूरी। बांद्रा के रिजवी कॉलेज के एक बूथ पर एक्टर जॉन अब्राहम ने वोट डाला, फैंस ने जॉन अब्राहम के साथ खिंचवाई तस्वीरें। अभिनेता रितेश देशमुख ने महाराष्ट्र के विधानसभा के लातूर में मतदान किया, पत्नी जेनेलिया डिसूजा ने भी अपना वोट डाला। अभिनेता सोनू सूद ने भी मुंबई में वोट डाला, बोले मतदान हर नागरिक की जिम्मेदारी। अभिनेता फहरान अख्तर ने महाराष्ट्र विधानसभा में किया मतदान, एक्टर अली फजल ने भी वोट डाला। मुंबई में फिल्म निर्देशक जोया अख्तर ने भी वोट डाला, बांद्रा में किया मतदान।
पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने पत्नी अंशी के साथ मुंबई में किया मतदान, बेटी सारा तेंदुलकर ने भी वोट डाला। वोट डालने के बाद बोले सचिन तेंदुलकर, मैं काफी समय से चुनाव आयोग का चेहरा रहा हूं, जो संदेश दे रहा हूं वो है वोट देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मुंबई में प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने अपना वोट डाला, उनके साथ उनकी बेटी और फिल्म निर्देशक मेघना गुलजार ने भी मतदान किया। मतदान के बाद बोले गुलजार, आम आदमी सब जानता है और सब पहचानता है, वो उसे ही वोट करेगा जो सही है। बांद्रा में फिल्म निर्देशक सुभाष कई ने भी वोट डाला, कहा मतदान अधिकार भी और कर्तव्य भी। पीएम मोदी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारे पर बोले फिल्म मेकर राकेश रोशन, कहा एक है तो सेफ है का नारा बिल्कुल सही है। एक्टर कार्तिक आर्यन ने मुंबई में मतदान किया, अभिनेत्री निकिता दत्ता ने भी अपना वोट डाला। अभिनेता सुनील शेट्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बांद्रा में मतदान किया, अभिनेत्री शुभा कोटे ने भी वोट डाला। अभिनेता अनुपम खेर ने मतदान किया, कहा मतदान से बड़ा महोत्सव एक आजाद देश में कुछ और नहीं हो सकता। संगीतकार कैलाश खेर ने मुंबई में वोट डाला, हर भारतीय को मतदान करने पर गर्व होना चाहिए। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह ने मुंबई में मतदान किया, रकुल के पति और अभिनेता जैकी भगनानी ने भी वोट डाला। दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने भी मुंबई में वोट डाला, मतदान केंद्र पर इंतजामों की तारीफ की। महाराष्ट्र में बिटकॉइन घोटाले पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा महाविकास अघाड़ी का पर्दाफाश हुआ। संबित पात्रा ने बिटकॉइन घोटाले में सुप्रिया सुले और नाना पटोले के शामिल होने का आरोप लगाया, कहा 253 करोड़ के गबन में कई किरदार हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी रविन्द्रनाथ पाटिल के हवाले से कहा, दोनों नेताओं ने 2018 के क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में बिटकॉइन की हेराफेरी की थी। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोपों का आधार बताने के लिए कई वॉइस नोट मीडिया में जारी किए, सुप्रिया सुले की आवाज होने का दावा किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को घेरा, कांग्रेस से पूछे 5 सवाल, कहा रविंद्र पाटिल जांच का समर्थन करने के लिए तैयार। बिटकॉइन ऑडियो टेप पर सुप्रिया सुले का दावा, कहा ऑडियो क्लिप में मेरी आवाज नहीं, सभी वॉइस नोट और स्क्रीनशॉट फेक। सुप्रिया सुले ने सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का नोटिस भेजा, कहा मैंने साइबर क्राइम में शिकायत कर दी है। बिटकॉइन ऑडियो टेप पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा बीजेपी ने झूठा आरोप लगाया है। शरद पवार बोले जो जेल में था उसके बयान पर आरोप लगाए गए, ऐसे झूठे आरोप बीजेपी ही लगा सकती है। सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लगे आरोपों पर बोले अजीत पवार, ऑडियो क्लिप में आवाज इन्हीं दोनों की, एक मेरी बहन है और दूसरा एक व्यक्ति है जिसके साथ मैंने बहुत काम किया। झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा यह चुनाव राज्य को बचाने का चुनाव बन गया है, झारखंड में रोटी माटी और बेटी संकट में है। गिरिडीह में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने वोट डाला, धनवार विधानसभा सीट से कैंडिडेट है। गिरिडीह में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का दावा, भाजपा एनडीए को 51 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, 5 वर्षों तक जनता ने काफी तकलीफ सही। वोटिंग के बीच जेएमएम सांसद महुआ मांझी का दावा, कहा झारखंड में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर बनेगी सरकार। रांची में कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने वोट डाला, झारखंड में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान। झारखंड के दुमका में दूसरे चरण का मतदान जेएमएम सांसद नलिन सोरेन ने मतदान किया। पंजाब के बरनाला में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान, बीजेपी प्रत्याशी केवल सिंह ढिल्लों ने परिवार के साथ वोट डाला। केरल के पलक्कड़ विधानसभा सीट के लिए वोटिंग, बीजेपी उम्मीदवार श्री कृष्ण कुमार ने वोट डाला। गयाना पहुंचे पर पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम, गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। गयाना के एक दर्जन से अधिक कैबिनेट मंत्री भी पीएम मोदी के स्वागत पर एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। 56 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का गयाना दौरा। जॉर्जटाउन एक होटल में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत, भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। रियो दे जेनेरियो से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने रामलीला के आयोजन में हुए शामिल, ब्राजील के छात्रों ने किया रामायण का मंथन। ब्राजील में G20 की बैठक के बाद विशेष सत्र का आयोजन, पीएम मोदी और इटली की पीएम मेलोनी के साथ सिंगापुर, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्पेन और मेक्सिको के राष्ट्राध्यक्षों ने किया शिरकत। G20 की बैठक के बाद सामने आई राष्ट्राध्यक्षों की शानदार तस्वीर, भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन पर सभी में दिखी सहमति। दिल्ली के खिराड़ी में बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य राजीव पाठक ने नरेंद्र मोदी सक्षम युवा अभियान की शुरुआत की, 10,000 युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के मौके मिलेंगे। संबल की जामा मस्जिद का कोर्ट के आदेश पर 2 घंटे तक सर्वे, हिंदू पक्ष ने किया हरि हर नाथ मंदिर के होने का दावा। मंगलवार की शाम करीब 6 बजे जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर पहुंचे। सर्वे के दौरान मस्जिद के हर हिस्से की वीडियोग्राफी हुई। अजमेर में पुलिस ने एक स्वयंभू लेडी डॉन शिवानी को पकड़ा, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप। दिल्ली में आज भी सुबह सुबह छाई धुंध की मोटी परत, इंडिया गेट इलाके में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में। दिल्ली में धुंध के चलते ट्रेन से सफर करना मुश्किल, रेलवे के अनुसार 9 ट्रेनों के समय में बदलाव, 13 ट्रेनें समय में देरी।
दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण, नदी में तैरते दिखे जहरीले झाग। यूपी के सीतापुर में कई हिस्सों में छाया कोहरा, तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। केरल के थूथुकुड़ी में रात से ही बारिश, लगातार बारिश से लोगों को परेशानी। फिल्म दशाबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और राज्य मंत्री सुरेश गोपी, फिल्म निर्माता एकता कपूर भी मौजूद रही।